फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतवीर और मैं आज आपको मीड ब्रेन एक्टिवेशन एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। मीड ब्रेन एक्टिवेशन एक साइंटिफिक प्रूव्ड मेथड है जिससे हम बच्चे के ब्रेन पावर को इतनी ज्यादा जीनियस बना सकते हैं जिससे हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। ब्रेन दो टाइप का होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन कॉन्शियस माइंड होता है और राइट ब्रेन सब कॉन्शियस माइंड होता है। इसे हम हिंदी में चेतन मन या अवचेतन मन के नाम से भी जानते हैं। कॉन्शियस माइंड में हम कोई भी चीज को थोड़े टाइम तक याद रख सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हम काफी लंबे टाइम तक इसी चीज को याद रख सकते हैं। लेफ्ट ब्रेन 10% स्टोरेज होता है और राइट ब्रेन 90% स्टोरेज होता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। हमारे ब्रेन में 5 सेंसेस होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट विजुअल, सेकंड लिसनिंग, थर्ड स्मेल, फोर्थ टेस्ट और फिफ्थ टच। अभी लेते हैं फर्स्ट विजुअल। विजुअल को हम 98% यूज करते हैं। सेकंड लिसनिंग, लिसनिंग को हम 1.5% यूज करते हैं। थर्ड स्मेल, स्मेल को हम 0.2% यूज करते हैं। फोर्थ टेस्ट, टेस्ट को हम 0.2% यूज करते हैं। और लास्ट में टच, टच को हम सिर्फ 0.1% ही यूज करते हैं। अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि हम 98% जो कि विजुअल है इसके ऊपर हम कितना डिपेंड है। हम कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज को हम देख नहीं लेते तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हम इसी विजुअल जो 98% होता है बच्चे की आंखों पर प्रतिबंध के इसे 0% कर देते हैं और बच्चे की जो अनदर 4 सेंसेस होती है उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं जिससे बच्चा वह सब काम करना आंखें बंद करके भी वह सब काम करने शुरू कर देता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमारे ब्रेन में 5 लूप्स होते हैं जो कि इस प्रकार से। फर्स्ट प्रीफ्रंटल, सेकंड पोस्ट फ्रंटल, थर्ड पेरिएटल, फोर्थ ऑक्सिपिटल जो कि हमारे पीछे की तरफ है, फिफ्थ टेम्पोरल जो कि हमारे साइड में होता है। प्रीफ्रंटल, प्रीफ्रंटल हमारा करैक्टरिस्टिक्स को बताता है। पोस्ट फ्रंटल हमारे थिंकिंग स्टाइल को बताता है। पेरिएटल हमारे काइनेस्थेटिक को बताता है। ऑक्सिपिटल हमारा विजुअल को बताता है और टेम्पोरल हमारे ऑडिटरी को बताता है। हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड होते हैं, फर्स्ट यूटरी ग्लैंड, सेकंड पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड इसे ही हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। हम अपनी क्लासेस के अंदर ब्रेन जिम, मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी से इसी पीनियल ग्लैंड को हम एक्टिवेट करते हैं जिससे हमारा बच्चा वह सब काम कर सकता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। अभी लेते हैं किन किन कारणों से हमारे बच्चे का ब्रेन डिवेलप नहीं हो पाता। फर्स्ट फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। 1 से लेके 12 तक हमारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो लॉजिकल पार्ट में ही आता है। जैसे इंग्लिश और हिंदी ये भी लैंग्वेज होती है, ये भी लॉजिकल पार्ट में आती है। सेकंड मैथ और रीजनिंग ये भी लॉजिकल होती है, ये भी लॉजिकल पार्ट में आती है। थर्ड साइंस और SST ये भी हमारा फैक्ट एंड फिगर में आती है, ये भी हमारे लॉजिकल में आती है। तो जिससे आपको पता चलता है कि हम सिर्फ एक लेफ्ट ब्रेन ही यूज करते हैं और राइट ब्रेन बिल्कुल भी यूज नहीं करते। आपको पता है इंडिया में सिर्फ 13,000 से 15,000 बच्चे पढ़ाई की स्ट्रेस से ही सुसाइड कर लेते हैं। आपको पता है सेम टीचर, सेम बच्चे, सेम एज के बच्चे, सेम सब्जेक्ट, सेम एनवायरमेंट, फिर भी कुछ बच्चे एक्सीलेंट, कुछ बच्चे गुड और कुछ बच्चे एवरेज और कुछ बच्चे पुअर। सेरोटोनिन रात के टाइम पे काम करता है और सेरोटोनिन दिन में काम करता है। हमारी नींद पूरी ना होने के कारण हमारे दोनों जो हार्मोन्स काम नहीं करते। नेक्स्ट थर्ड में लेते हैं अनहेल्दी फूड हैबिट्स। हमारे बच्चे जंक फूड ज्यादा से ज्यादा खाते हैं जो कि हमारे ब्रेन में ब्रेन को बहुत ही हार्मफुल होते हैं। पॉवर्टी एज, यंग एज में जब हमारा बच्चा यंग एज में हो जाता है तो उसे सबसे ज्यादा उस समय ब्रेन की जरूरत पड़ती है जब वह बड़े होकर का कोर्स या इंजीनियरिंग या MBA
जब करता है तो उसे उस टाइम सबसे ज्यादा ब्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम सिर्फ शुरू से लेफ्ट ब्रेन ही यूज करते हैं, राइट ब्रेन बिल्कुल यूज नहीं करते, जिससे हमारे को उस टाइम काफी प्रॉब्लम होती है। अभी लेते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोबाइल। हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल आजकल बहुत यूज करते हैं, जो कि उसकी जो रेडिएशन होती है हमारे बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। अभी लेते हैं लास्ट में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हम अपने घर पे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे के ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमें घर पे बिल्कुल भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अभी आपको पता लग गया होगा किन किन कारणों से हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी वर्कशॉप 3 मंथ की होती है। फर्स्ट 2 डेज सैटरडे और संडे हमारी फुल डे वर्कशॉप चलती है, उसके बाद हर संडे 3 आवर्स की हमारी क्लास चलती है और टोटल 12 वर्कशॉप हम कंडक्ट करते हैं। और जो भी पेरेंट्स हमारे पास आना चाहता है और अपने बच्चे को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स करवाना चाहता है, वह खुशी से करवा सकता है। थैंक यू वेरी मच।